रतन टाटा एक ऐसा नाम जिसे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। इनके बारे में आज कुछ ऐसे किस्से बताएंगे जिससे शायद हम अभी तक अनजान हैं। न्यूयॉर्क से इन्होंने अपनी आर्किटेक्ट की डिग्री पूरी की है और ये आर्किटेक्ट बनना भी चाहते थे, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रतन टाटा जी एक अच्छे डॉग लवर हैं। उनके पास अपने दो डॉग्स हैं जिनका नाम है टीटू एंड मैक्सिमा। रतन टाटा जी को रेड कलर बहुत पसंद है। वो एक स्किल्ड पायलट भी हैं। वो काफ़ी टाइम से कहते थे कि जब मैं अपने टाटा ग्रुप से रिटायर हो जाऊंगा तो अपने प्लेन उड़ाने का शौक पूरा करूंगा। उन्होंने 2007 में F-16 फेलकॉन, जो कि एक फाइटर जेट है, उसे उड़ाया था और वो भारत के पहले नागरिक थे जिन्होंने वो फाइटर जेट उड़ाया था। यहाँ तक कि कोरोना जैसी बीमारी में जब पूरा देश संकट में था तो उन्होंने 1,500 करोड़ की मदद की थी। उनका सपना था कि हर भारतीय के घर में एक कार हो, इसीलिए उन्होंने नैनो को लॉन्च किया था, लेकिन उसमें कुछ छोटी छोटी कमियाँ रह गई थी जिन्हें बाद में सुधारा भी गया और एक अच्छी कार को फिर से लाया गया। 26/11 के आतंकवादी हमले में जो लोग घायल हुए थे ताज होटल में, उनका सारा खर्च रतन टाटा जी ने खुद उठाया था। जब तक ताज होटल बंद रहा, सभी एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी दी गई थी, वो भी पूरी, ऐसा नहीं कि कुछ कम दी गई हो। शादी नहीं की रतन टाटा जी ने, ये एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही गहरी बात है। वो एक लड़की से प्यार करते थे जो लॉस एंजल्स से बिलोंग करती थी। उनकी गर्लफ्रेंड थी वो, जिसे वो अपनी धर्मपत्नी बनाना चाहते थे, लेकिन उनसे शादी नहीं कर पाए क्योंकि उस लड़की के माँ बाप नहीं चाहते थे कि वो लड़की इंडिया जाए, इंडिया में रहे, उन्हें ये नहीं पसंद था। तो इसलिए उनके फैमिली ने उस लड़की की शादी कहीं और कर दी, लेकिन रतन टाटा जी तो अपना कमिटमेंट कर चुके थे। उन्होंने तो उस लड़की से कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट को वो आज तक निभा रहे हैं। उन्होंने ना किसी और से प्यार किया और ना शादी, तो दूर की बात है। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच।